हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि अलजेब्रा का हमारा सेकंड लेसन स्टार्ट है, तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ एक्सरसाइज प्रैक्टिस 2.3। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने प्रैक्टिस 2.2 करवाया नहीं। तो दोस्तों, उसके अंदर कुछ ड्रॉ करना है, उसको मैं लास्ट में करवाऊंगा। ये एक्सरसाइज पूरा होने के बाद, ये पूरा मतलब जहाँ जितनी एक्सरसाइज होने के बाद लास्ट में मैं 2.2 लास्ट में करवाऊंगा। ओके, तो दोस्तों जो मैं करवा रहा हूँ उसको प्लीज़ घर पे प्रैक्टिस करते जाओ मैं आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप भी घर पे हो तो आपके लिए घर पे बैठ के कितना क्या चीज़ें सिंपल होगी उस हिसाब से मैं करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, अभी जो एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, आपको बता दिया मैंने प्रैक्टिस से 2.3, और उसमें उसकी कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जिसके कारण आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ओके दोस्तों, जैसे भी मान लो ये ए है, ये एम है। ओके दोस्तों, ये मेरे लिए हो गया, ये रेडिकल साइन है। ये क्या है? रेडिकल साइन है। और ये हमारा है रेडिकेंड। क्या है हमारा? रेडिकेंड। और ये हमारा यहां जो भी होगा उसको बोलेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ज। ऑर्डर ऑफ सर्ज मतलब हमें सर्ज फाइंड करने के लिए आएगा, तो आपको हर चीजें पता रहना चाहिए। इसको हम रेडिकेंड बोलते हैं। ये जो रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर जो भी होता है उसको रेडिकेंड बोलते हैं। ये जो है, ये इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल साइन। और ये हमारा ऑर्डर ऑफ सर्ट्स होता है। क्या होता है हमारा? ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ये हमारा रेडिकेंड, ये हमारा रेडिकल साइन, ये वाला जो होता है इसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और ये हमारा ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा। और हमें फर्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यही फाइंड करना है, स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स गिवन बिलो। हमें ये फाइंड करना है, ये जो रूट के अंदर, मतलब रूट जिसको बोलते हैं, इसके अंदर जो भी होगा वो हमें रेडिकल साइन के अंदर जो भी होगा ये हमें लिखना है। जब सिंपल है, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स यहाँ जो होगा वो हमें लिखना है, बाहर नहीं। यहाँ जो होगा वो हमें क्या करना है? लिखना है। तो एकदम सिंपल है दोस्तों, आपको मैंने ये बता दिया बेसिक चीज़ें कुछ, किसको रेडिकल बोलते हैं, किसको रेडिकल बोलते हैं, किसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। अब दोस्तों एक एक करके अपना कर देते क्वेश्चन फटाफट। इसमें बताओ अंडर रूट, देखो आपको लिखा है कि क्यूब रूट ऑफ सेवन, क्यूब रूट ऑफ सेवन। तो स्टेट द ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स कौन सा है दोस्तों? थ्री। यहां देखो ऐसा लिखा हुआ है दोस्तों, सब बड़ा कर दिया। तो यहां स्क्वायर रूट ऑफ 12 है दोस्तों। ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 12। स्क्वायर आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, आप कैसे पढ़ते हो? स्क्वायर रूट। यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता तो आप क्या पढ़ते हो? स्क्वायर। स्क्वायर मतलब कितना होता है? टू। अगर कुछ नहीं है तो उसका ऑर्डर कितना होगा? टू, मतलब वो होता है, हम लिखते नहीं है, स्क्वायर रूट। और यहाँ कितना है? फोर्थ रूट ऑफ 10, मतलब ये फोर्थ। यहाँ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, यहाँ फिर से ऑर्डर ऑफ सर्ट्स कितना है? टू। ओके, यहाँ ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स कितना है दोस्तों? थ्री। ओके, तो आप लिख सकते हो ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स इज थ्री, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स इज टू, एंड ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज फोर, एंड ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज टू, एंड ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज थ्री। जो भी देखो, देखो ये क्यूब रूट ऑफ 18, स्क्वायर रूट ऑफ 39, फोर्थ रूट ऑफ 10th, और यहाँ ये अंदर का देखो, फिर इसके बाद ये स्क्वायर रूट ऑफ 12 एंड क्यूब रूट ऑफ 7। तो ये वाला ही क्या है हमारे लिए? मैंने आपको बताया था एन, मैंने बताया था ना। ओके, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? ऑर्डर हो गया दोस्तों। तो आई थिंक आपके लिए बहुत सिंपल हो गया होगा, आपको समझ में आया। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिर्फ ऑर्डर में फाइंड करना था। तो चलो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, इसके आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जा रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट 2.3। और प्रैक्टिस सेट 2.3 में हमें करना है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्च जस्टिफाई। तो दोस्तों उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, तो थोड़ा और आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। ये थोड़ा मतलब बुक में थोड़ा कंफ्यूज किया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं कुछ चीजें बता रहा हूं उसको याद करके रखो, ध्यान दो। मान लो जो ये एन है और ये है, ये आपको पता है ये रेडिकेंट होता है, ये ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स होता है। क्या होता है? ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स। तो हमेशा याद रखना, अगर हमें कहीं भी बोला कि बताओ ये सर्ट्स है कि नहीं है, सर्ट्स है कि, सर्ट्स की पहचान कैसे करोगे कि कौन सा स्क्वायर रूट जो दिया हुआ सर्ट्स है कि नहीं? तो सर्ट्स कब बोलते हैं? जब ये ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स ग्रेटर देन वन होगा, मतलब नेचुरल नंबर का जो वन है उससे बड़ा होना चाहिए। किससे होना चाहिए? वन से बड़ा, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कोई भी होना चाहिए। मतलब ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। दूसरा, ये जो हमारा ए है, ए मतलब रेडिकेंट, रेडिकेंट ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर, याद करो, लिखते जाओ, लिखते जाओ। रेडिकेंट कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर। और ये जो एन है ये कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन वन, मतलब वन से बड़ा, 2, 3, 4, 5, सो ऑन, कोई भी हो सकता है, तो वन से बस बड़ा होना चाहिए। बट दोस्तों ओवरऑल आपको अगर सर्ट्स डायरेक्टली सर्ट्स पहचानना है, सर्ट्स पहचानना, बस ये दोनों पे ध्यान देना, ये कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब ग्रेटर देन, ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, ग्रेटर देन वन मतलब पॉजिटिव नंबर।
तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कोई भी होगा ये चलेगा। और प्लस ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ये दोनों चीज वेरीफाई होना चाहिए। बट हमें लिखना है थर्ड चीज लिखना है। थर्ड चीज में क्या लिखना है, अगर मान लो मैंने आपको ये बोला स्क्वायर रूट ऑफ 25, ये 2 है या कुछ नहीं होता, मतलब 2 होता पहले बता दिया, तो इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ स्क्वायर रूट ऑफ 25। स्क्वायर रूट ऑफ 25 मैंने आपसे आपको सबको पता होगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। और दोस्तों ये जो 5 कंप्लीटली पूरी तरह से आंसर आ गया, पूरी तरह से इसका आंसर आ गया। मैं अगर आपको पूछूंगा कि बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो आप बोलोगे सर 4। स्क्वायर रूट ऑफ 16 आप क्या बोलोगे, 4। अगर मैंने आपको बोला क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, तो आपका आंसर रहेगा 2। आया कि नहीं, कंप्लीटली पूरी तरह से आंसर आ गया, पूरी तरह से आंसर आ गया कि क्यूब रूट ऑफ 8, क्यूब रूट ऑफ 8 कितना होता है, 2। तो कंप्लीटली इसका भी आंसर आ गया। तो दोस्तों चलो एक और बोल देता हूं, 64, क्यूब रूट ऑफ 64 मतलब ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको तीन, अगर नंबर होगा पूरी तरह से, हाँ पूरी तरह से अगर वो नंबर होगा, ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करने पर 64 आता है, तो नंबर है 4। 4 को अगर मैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 16 16 16 4 64। तो दोस्तों ये इसका भी कम्प्लीटली पूरी तरह से आंसर आता है। तो जिसका मान लो ये 2 5 4 और ये वाला 4, ये क्या है हमारा, ये है हमारा रैशनल नंबर होता है। क्या होता है हमारा, रैशनल नंबर होता है। फिर से बता रहा हूँ, ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर सर्ट्स नहीं होता, रैशनल नंबर सर्ट्स नहीं होता। अगर भी अगर किसी भी क्वेश्चन का मान लो मैं ऐसे पूछा 17, इसका कंप्लीटली पूरी तरह से सर्ट्स, इसका कंप्लीटली पूरी तरह से आंसर नहीं आता, नहीं आता। और जिसका कंप्लीटली पूरी तरह से आंसर नहीं आता वो मेरे लिए होता है इरेशनल नंबर। तो आप लिखोगे क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 17, क्यूब रूट ऑफ 17, क्यूब रूट ऑफ 17, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 17 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर अंडर रूट 3 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 17 इज अ सर्ट्स। जिसका आंसर नहीं आता, जिसका पूरी तरह से आंसर नहीं आता वो मेरे लिए सर्ट्स होगा, जिसका पूरी तरह से आंसर नहीं आता वो मेरे लिए क्या होगा, सर्ट्स होगा। क्योंकि सर्ट्स रहने के लिए जो दिया हुआ है वो कैसा होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए। रैशनल कब, देखो ये 5 2 4 2 5 4 4 ये सब रैशनल है, इसलिए सर्ट्स नहीं है। जिसका आंसर नहीं आता है, जिसका आंसर सबका आता है दोस्तों, मैं आपके लैंग्वेज में बता रहा हूं, मैं आपके टर्म्स में बता रहा हूं कि जिसका आंसर पूरी तरह से नहीं आता, मतलब पॉइंट्स में आता ऐसे आता है, तो हमें पूरी तरह से आंसर चाहिए। अगर पूरी तरह से आंसर आ गया तो रैशनल है, और रैशनल सर्ट्स नहीं होता। जिसका पूरी तरह से आंसर आ गया वो सर्ट्स नहीं है, क्योंकि वो क्या है, रैशनल है। ओके, और जिसका पूरी तरह से आंसर नहीं आता वो इरेशनल है, और इरेशनल ही क्या होता है, सर्ट्स होता है। इरेशनल ही क्या होता है, सर्ट्स होता है। दोस्तों तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया इरेशनल ही क्या होता है, सर्ट्स होता है। तो अब चलो एक एक क्वेश्चन करके मैं करना स्टार्ट करता हूँ। क्यूब रूट ऑफ 51, क्यूब रूट ऑफ 51 दोस्तों पहले मैंने बता दिया कि जिनका आंसर नहीं आता होगा पूरी तरह से वो मेरे लिए इरेशनल नंबर होगा, और इरेशनल नंबर क्या होता है, सर्ट्स होता है। इरेशनल नंबर क्या होता है, सर्ट्स। तो क्यूब रूट ऑफ 51 का भी पूरी तरह से आंसर नहीं आता दोस्तों, कंप्लीट आंसर नहीं आता। तो वो हमारे लिए कंप्लीट आंसर मतलब जैसे कि मैंने बताया अंडर, मैं तो आपके लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 का 5 पूरा आंसर आ गया आपके लेवल पे। अभी आगे जाओगे तो लॉग टेबल फाइंड करोगे तो सबका आंसर आएगा। पर दोस्तों पॉइंट में आंसर आता है, क्या था पॉइंट में, हमें पूरी तरह से आंसर चाहिए, उसमें डेसिमल नहीं चाहिए, पूरी तरह से आंसर चाहिए। तो क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 51, क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 51 ध्यान देना मैं लिख रहा हूं भी अच्छे से, क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट 51 इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसका आंसर पूरी तरह से नहीं आता आपके लैंग्वेज में, इज एन इरेशनल नंबर। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 51 इज अ सर्ट्स, इसलिए क्या है ये, सर्ट्स। दोस्तों निकल गया, और आप चीज वेरीफाई करो, देखो 3 ये अगर आपको ये भी लिखना है तो लिख सकते हो, ये जो हमारा ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स है ये ग्रेटर देन 1 है, और 51 हमारा क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर है, 51 हमारा क्या पॉजिटिव रैशनल नंबर। दो चीजें मैंने और बताई थी, तो दोनों चीज भी मैंने चेक कर ली, आपको चाहिए तो वो भी लिख सकते हो। ये हमारा 3 क्या है, ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स है ग्रेटर देन 1 है, और 51 भी हमारा क्या है, 51 पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है,
कितना है 16। फोर्थ रूट ऑफ 16 दोस्तों, फोर्थ रूट ऑफ 16। चलो मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। अगर मैं दोस्तों 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 = 4, 4 × 8 = 16। दोस्तों 2 raised to 4, अगर मैं 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 16 आ जाता है। 2 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ये आंसर मुझे मिलता है। ध्यान रखना, 2 को अगर मैं कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, 16। तो फोर्थ रूट ऑफ 16 का आंसर 2 आता है। फोर्थ रूट ऑफ 16 का आंसर 2 आता है। तो इसीलिए लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, 2 इज नॉट ए, 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट ए सर्ड। समझा दोस्तों, फोर्थ रूट ऑफ 16 का आंसर 2 आता है, क्योंकि ऐसा नंबर ढूंढो जिसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। तो होता है 2 को अगर मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 2 × 4, 4 × 4 × 4 × 8 × 16, तो आंसर आता है। अगर 2 को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आता है, 16 आता है। इसलिए मैंने लिखा है 2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर फोर्थ रूट ऑफ 16 इज नॉट ए सर्ड्स। ओके दोस्तों, इसलिए क्या है, सर्ड्स नहीं है। अब चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, थर्ड क्या दिया हुआ है, किधर गया थर्ड, इधर क्या है, 81 फिफ्थ रूट। ओके दोस्तों, अब ध्यान दो, ये सेम 81 का फिफ्थ रूट का आंसर कंप्लीटली पूरी तरह से आंसर उसका नहीं आता। तो सेम टू सेम आंसर नहीं आता तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इरेशनल। और इरेशनल अगर है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, सर्ड्स। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर फिफ्थ रूट ऑफ 81 इज अ सर्ड्स। ओके दोस्तों, लिख दिया, ध्यान दो, तो मैंने बोला दो चीजें और वेरीफाई कर सकते हो, फाइव जो ऑर्डर ऑफ सर्ड्स है वो ग्रेटर देन वन है, और 81 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, दोनों है, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो क्या हो गया, सर्ड्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। फोर्थ हमारा क्या है, 256 स्क्वायर रूट ऑफ 56। दोस्तों ये आंसर तो सबको आना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ 56 का आंसर 16 होता है। 16 को अगर मैं 2 टाइम, देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब 2 टाइम मल्टीप्लाई करूं, अगर 16 × 16 दो बार मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 256। तो मैं अब कैसे लिखूं, आंसर आ रहा है, आंसर क्या रहा है, आ रहा है, और जिसका आंसर आ रहा है वो इरेशनल नहीं होता। तो मैं लिखूंगा 16 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज नॉट ए सर्ड। ओके दोस्तों, इसलिए सर्ड्स नहीं है। अब देखो आंसर आ गया, इसलिए सर्ड्स नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे लिए क्या है, इधर गया फिफ्थ, यही है ना, क्यूब रूट ऑफ 64। हाँ, क्यूब रूट ऑफ 64। अब हमें ऐसा, अगर कोई ऐसा नंबर है जिसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आता हो, तो है दोस्तों, अगर मैं 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64 आता है। अगर मैं यहाँ, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ, अगर मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 टाइम 4 × 4 × 4, तो
हमारा आंसर कितना आता दोस्तों 64, मतलब 4 को अगर मैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर क्या था 4, क्यूब रूट ऑफ 64 का आंसर क्या था 4, तो 4 आ रहा है ना, तो 4 क्या है दोस्तों, जो 4 हमारा है, जो आंसर 4 है वो क्या हमारा इरेशनल नंबर है दोस्तों, क्या है इरेशनल वो हमारा रैशनल नंबर है, क्या हमारा रैशनल नंबर, तो हम ऐसा लिखेंगे 4 इज नॉट एन इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट ए, सर देखो 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, वो रैशनल है, पर हमें क्या चाहिए, इरेशनल चाहिए, अगर इरेशनल आया तो ही सर्ट्स होगा, तो हमारा क्या लिखा मैंने, नॉट एन इरेशनल आ गया, तो हमारा क्या आ गया, इज नॉट अ सर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं, सबके सब क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ हमें, क्या आ गया, लास्ट क्वेश्चन, इस सेकेंड क्वेश्चन का लास्ट सब क्वेश्चन, 22/7 तो दोस्तों जो दो चीजें मैंने और बताई थी उस बारे में भी देख लेते हैं, लास्ट में इरेशनल नंबर देख लेते हैं है कि नहीं, तो 22/7 ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, चलो हुई ये चीज फिक्स हो गया, और ये हमारा क्योंकि सर्ट्स के लिए वो दोनों चीज भी चाहिए दोस्तों, तो दोनों चीज भी चेक करते जाओ, और ये जो ऑर्डर ऑफ सर्ट्स है वो ग्रेटर देन 1 है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स वो ग्रेटर देन 1 है, तो दोनों चीज तो वेरीफाई हो रहा है, दोनों चीज तो सर्ट्स के लिए जो चाहिए वो हो रहा है, बट दोस्तों थर्ड चीज अंडर रूट 22/7 ये पता ना किसकी वैल्यू है, पाई इक्वल टू 22/7 अपन करते थे और 3.142 समथिंग इसका जो आंसर आता था, तो इसका आंसर कम्प्लीटली पूरी तरह से नहीं आएगा, पूरी देख के पता चल रहा है पूरी तरह से नहीं आएगा, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों इरेशनल, और जिसका नहीं आएगा वो मेरे लिए इरेशनल, और जो भी इरेशनल होता है वही क्या होता है सर्ट्स होता है, तो मैं चलो लिखता हूँ आई से 22/7 इज एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर 22/7 इज अ सर्ट, इसलिए क्या हो गया सर्ट्स। तो दोस्तों अब कुल मिला के आपको बस यही याद रखने का, जिसका आंसर आपको मतलब आपके क्लास के हिसाब से 9, 10, 11, 12 जिस क्लास से आप नाइन्थ में जिसमें हो, तो आपके क्लास के हिसाब से जिसका आंसर पूरी तरह से आ जाता है, पूरी तरह से जिसका आंसर आ जाता है वो मेरे लिए रैशनल होता है, क्या होता है रैशनल, जैसे 4 आ गया तो वो रैशनल नंबर है, क्या है रैशनल नंबर, और जिसका आंसर नहीं आता पूरी तरह से वो मेरे लिए क्या इरेशनल, और जिसका आंसर नहीं आता वही मेरे लिए क्या होता है सर्ट्स होता है, ये मैं आपके लैंग्वेज में आपके टर्म से बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, और पहली दो चीज़ें भी आप वेरीफाई कर सकते हो, लिख सकते हो, जैसे चलो इसकी चीज़ें देख लो, देखो ये 64 इज द पॉजिटिव रैशनल नंबर, 3 ऑर्डर ऑफ सर्ट्स इज ग्रेटर देन 1, दोनों वेरीफाई हो रहा था, पर इसमें थर्ड चीज वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि मुझे ये क्या चाहिए था इरेशनल चाहिए था, पर ये 4 पूरी तरह से आंसर आ गया, तो ये क्या है रैशनल है, क्या है रैशनल है, ये 4 क्या है रैशनल है, तो इसलिए थर्ड चीज वेरीफाई नहीं हो रहा है, थर्ड चीज वेरीफाई नहीं हो रहा है, 4 इज नॉट एन इरेशनल नंबर, देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 64 इज नॉट अ सर्ट्स, दो चीज वेरीफाई हो रहा था पर थर्ड चीज नहीं हो रहा है दोस्तों, तो दो चीज तो सब क्वेश्चन में आप चाहिए तो उसको लिख सकते हो, मैंने थर्ड चीज का बता दिया दोस्तों, ओके आप दोनों चीज लिख के करो अच्छा लगेगा, टीचर को पूरी तरह से पता चलेगी यार जीटी वाले पूरा लिख रहे हैं, ओके तो दोस्तों ये हो गया हमारा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, थर्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल है, टेंशन मतलब बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत मजा आएगा, क्लासीफाइड द गिवन पेयर्स ऑफ सर्ट्स इनटू लाइक सर्ट्स एंड अनलाइक सर्ट्स, मतलब कुछ पेयर्स दिए हुए हैं टेक्स्टबुक में, उसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा लाइक सर्ट्स है कौन सा अनलाइक सर्ट्स है, तो कैसे फाइंड करोगे लाइक और अनलाइक, पहले बता देता हूँ मैं कि आप जैसे क्वेश्चन करो वैसे आप आंसर देना स्टार्ट कर दो, ओके एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लास्ट में छोड़ूंगा, आप मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, 3 लिखता हूँ एंड ये भी 3 है और ये भी 33, अब ये दोनों पेयर में चेक करोगे तो रेडिकेंट्स यहां भी 33 है यहां भी 33 है, ये ऑर्डर ऑफ सर्ट्स यहां भी 3 है यहां भी 3 है, इफ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स बोथ आर सेम, अगर दोनों सेम है, रेडिकेंट्स भी सेम है ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स भी सेम है,
तो हमें जो पेयर्स दिया रहेगा वो पेयर्स क्या होगा, लाइक सर्ट्स होगा। क्या होगा? पेयर्स लाइक सर्ट्स, मतलब जो भी हमें सर्ट्स का जो भी पेयर दिया होगा वो क्या होगा, लाइक सर्ट। अगर मान लो इधर 4 होता, ओके, रेडिकेंट्स आर सेम, रेडिकेंट सेम है बट ऑर्डर ऑफ सर्ट्स आर डिफरेंट। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है? डिफरेंट। अगर दोनों में से एक भी अलग हो गया तो लाइक सर्ट्स नहीं होगा। लाइक सर्ट्स के लिए क्या चाहिए? ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स दोनों क्या चाहिए? सेम चाहिए। अगर दोनों सेम रहा तो ही क्या होगा, लाइक सर्ट्स। अगर सेम नहीं है, दोनों में से एक भी सेम नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, अनलाइक सर्ट्स। क्या हो जाएगा? अनलाइक सर्ट्स। तो चलो लाइन वाइज क्वेश्चन करता हूँ तो आपको और समझ में आ जाएगा। जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 52 और दूसरा है हमारा 5 अंडर रूट 13। ओके दोस्तों, अब ध्यान दो, इसको हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। 13 को हम और देखो, अंदर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकल सकता है, तो ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सब आपको प्रैक्टिस करके समझेगा, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, 9th से 10th में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फर्स्ट टाइम आपका है दोस्तों, इसलिए टेंशन नहीं लेना, आपको फर्स्ट टाइम है यार, सबके साथ ऐसे। मैं भी 9th स्टैंडर्ड में था तो मुझे भी पहली बार में ऐसे ही होता था, सबके साथ तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। बट जो भी चीजें आपको समझाई जा रही है प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस क्योंकि 9th स्टैंडर्ड है, पहले बता रहे। ओके, तो यहाँ हमारा ध्यान दो भाई, ये स्क्वायर रूट ऑफ 52 है, ये 5 बाहर है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 13 है। तो दोस्तों ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको और हम चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे। अब देखते ये चेंज होता है, इसको चेंज करते हैं हम, ये इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 13 फोर्सा कितना होता है? 13 फोर्सा 52 होता है कि नहीं होता है? होता है ना, 13 फोर्सा 52 होता है दोस्तों। तो 13 फोर्सा 52, चलो मैं पहले इसको और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखता हूँ। मैं जो पहले दिया था, जो हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया था उसको मैं दे देता हूँ 1, इसको 1 दे देता हूँ, थोड़ा और अच्छे समझेगा। और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं दिया है, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। 52 आपको पता है 13 फोर्सा 52 होता है कि नहीं? ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकले। तो 13 फोर्सा 52 होता है, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होता है दोस्तों? 2, बाहर 2 आ गया और अंदर क्या बचा? 13। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। ऐसे नंबर दे दिया दोस्तों, फ्रॉम 1 एंड 2। 1 और 2 को आप ध्यान से देखो, तो ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में। बट लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स के लिए हमें क्या चेक करना है? ये देखो, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। रेडिकेंट ये भी 13 है, ये भी 13 है, तो बताओ लाइक सर्ट्स है या अनलाइक सर्ट्स है? रेडिकेंट चेक करो, ये रेडिकेंट और ऑर्डर ऑफ सर्ट्स मतलब यहाँ वाला, आपको पता है ऑर्डर ऑफ सर्ट्स यहाँ, तो दोनों का ऑर्डर ऑफ सर्ट्स क्या है? सेम है। तो मैं लिखूंगा ऑर्डर ऑफ सर्ट्स सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स रेडिकेंट्स आर सेम, देयरफोर ये वाला ओरिजिनल आंसर लिखने का, ओरिजिनल अंडर रूट 52 एंड 5 अंडर रूट 13 आर लाइक, हमें क्या पूछा है? लाइक और अनलाइक, लाइक सर्ट्स। होगा दोस्तों समझ में आ गया होगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स आर सेम, देयरफोर अंडर रूट 52 एंड 5 अंडर रूट 13 आर लाइक सर्ट्स। हो गया, क्या है इसके अंदर है, क्या हार्ड है मुझे बताओ, क्या हार्ड है दोस्तों? एकदम सिंपल है, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स और रेडिकेंट चेक करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ, सेकंड किधर रहे? इधर रहे, ऊपर चुप के बैठा है, क्या है? 68 अंडर रूट 68 और 5 अंडर रूट 3। तो दोस्तों ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मैं इसको, जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको दे देता हूँ 1। दोस्तों ये आपके लिए है, वर्ड हो सकता है टीचर डायरेक्ट करें तो भी चलेगा, आप डायरेक्ट नहीं इक्वेशन ऐसे नहीं लिखोगे, नंबर नहीं दोगे तो भी चलेगा, बट मैं आपके लिए कर रहा हूँ थोड़ा आप कन्फ्यूज ना हो जाओ। अब इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ दोस्तों, 68 ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, जिसका स्क्वायर रूट बाहर आता हो, 68 किसी के टेबल में आता है? 17 फोर्स कितना होता है? 68 और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2। ओके, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो गया।
17 फोर का 68 एंड 17 का जो सॉरी 4 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 2 होता है, तो मैंने बाहर निकाल लिया और अंदर ऑनली देखो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा अंडर रूट 17। ये हो गया सेकंड। अब ध्यान दो, फ्रॉम 1 एंड 2 ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स, देखो ध्यान दो ऑर्डर, ये फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दे रहा, ऑर्डर दोनों का सेम है, ऑर्डर दोनों का सेम है दोस्तों, ऑर्डर दोनों का सेम है, बट रेडिकेंट सेम है क्या, रेडिकेंट सेम है क्या, ये 17 ये कितना है 3 है, ये 17 ये क्या 3 है, तो रेडिकेंट सेम नहीं है, तो लिख देंगे यार रेडिकेंट। यहाँ देखो दोस्तों या ऑर्डर ऑफ द सेट सेम है बट रेडिकेंट सेम नहीं है, तो दो में से अगर एक भी सेम नहीं है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा अनलाइक सर्ट, लिखेंगे रेडिकेंट्स आर नॉट सेम देयरफॉर देयरफॉर अंडर रूट 68 एंड 5 अंडर रूट 3 आर अनलाइक सर्ट्स, अनलाइक सर्ट्स। ओके दोस्तों, तो यही हमें फाइंड करना था, लाइक और ये देखो लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक। तो दोस्तों देखो इसका ऑर्डर सेम था, ये भी टू है ये भी टू है, बट रेडिकेंट सेम नहीं है ना, रेडिकेंट आर नॉट सेम, रेडिकेंट्स आर नॉट सेम, देयरफॉर अंडर रूट 68 एंड 5 अंडर रूट 3 आर अनलाइक सर्ट्स। हो गया। अब दोस्तों अगला पढ़ता हूँ मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन है 4 अंडर रूट 18 और क्या है 7 अंडर रूट 2। ओके दोस्तों सिंपल सा, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो मैं इसको और करूंगा नहीं, इसके दे देता हूं मैं आपको फर्स्ट। आप ये 18 को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं, बताओ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर आता हो, आपके दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, ऐसे अंदर नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर आता हो, अगर नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे, बट होता है होता है होता है। 4 9 2 18, 9 का स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना, तो 4 9 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है 3, 9 का स्क्वायर रूट 200, 9 का अगर स्क्वायर रूट हम बाहर निकाले तो कितना आएगा 3 और अंदर कितना बचेगा 2, तो बाहर टोटल मल्टीप्लाई कर, क्योंकि बाहर दो नंबर है तो दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 12 12 अंडर रूट 2। दोस्तों समझ में आया मैंने कैसे किया, 18 का अगर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकलता हो, अगर स्क्वायर रूट बाहर निकलता हो या तो क्यूब रूट होगा तो क्यूब रूट बाहर निकलता हो, यहाँ स्क्वायर रूट है इसलिए मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, अगर फोर्थ रूट हो तो फोर्थ रूट बाहर निकलता हो, ऐसे जो भी नंबर होंगे तो 9 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 3 होता है, तो मैंने बाहर निकाल दिया तो 4 3 12 होता है और अंदर क्या बचा अंडर रूट 2, अब इससे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, बट हमें लाइक और अनलाइक सर्ट्स के लिए दो चीज़ें देखना है, एक रेडिकेंट और दूसरा ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, तो बताओ लाइक है या अनलाइक है, लिखो लिखो। तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स, रेडिकेंट्स आर सेम सेम Therefore, 4 under root 18 and 7 under root 2 are like sorts। हो गया दोस्तों, देखो ये भी 2 है ये भी 2 है, इसका जो दोनों का है ऑर्डर भी क्या है सेम है, तो दोनों क्या हो गए लाइक सर्ट्स। ओके अब आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाँ मैं दूंगा एक लास्ट में छोड़ दूंगा सर, आप करते करते पूरा कर दोगे सर, हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे सर, दूंगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कितना फिफ्थ तक ही है ना, देख लो नहीं तो पूरा ही करवा दूंगा, चलो लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, क्या फिफ्थ नहीं चलो फोर्थ छोड़ता हूँ दोस्तों आपके लिए, फोर्थ मैंने चलो करवा ही देता हूँ यार, क्या है मेरे को ऐसा लगता है ना दोस्तों आपको सब क्वेश्चन करवा दूँ कि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए किसी बच्चों को। 19 अंडर रूट 12 और दूसरा हमें क्या दिया 6 अंडर रूट 3, तो ऑलरेडी दोस्तों अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ है तो उसको हमें करने की जरूरत नहीं है,
इसको हमें करने की जरूरत नहीं है, तो इसको दे दो, हम 1 दे देते हैं। फिर 19 अंडर रूट 12, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, आपके दिमाग में आना चाहिए, अंदर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट होता हो, तो है ना ऐसा नंबर, 4 3 12 और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आएगा कितना, 2 बाहर आया और अंदर क्या बचा, 3। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता, तो 2 बाहर आ गया और अंदर कितना बचा, 3 बचा। 19 दूसरा सर क्या टेबल ही नहीं आता सर, 38। ओके तो दोस्तों आप ध्यान दो हमें चेक करने के लिए, यहाँ देखो दोनों का, ये दोनों का रेडिकेंट सेम है एंड ये ऑर्डर इधर देख रहे हैं, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स भी दोनों का सेम है और रेडिकेंट्स एंड ऑर्डर ऑफ सर्ट्स सेम है, तो चलो ये तो यही बनेगा, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट्स आर सेम, ऑर्डर ऑफ सर्ट्स एंड रेडिकेंट आर सेम, देयरफॉर 19 अंडर रूट 12 एंड 6 अंडर रूट 3 आर लाइक सर्ट्स, इसलिए क्या हो गया वो लाइक सर्ट्स है, क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है और ऑर्डर के साथ क्या सेम है, ऑर्डर भी सेम है और रेडिकेंट भी सेम है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, तो सर हमें करना था सर, सर आपने बोला था सर सीटिंग, कोई नहीं देता मैं आपको यार, मेरे रहता है ना कि आप लोग का डाउट कोई क्रिएट ना हो, क्योंकि आप 9 का फर्स्ट टाइम हो और एक तो मेरे पास नहीं हो, हम लोग इस समय दूर हैं बहुत। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, 5 अंडर रूट 22 और 7 अंडर रूट 33। ओके दोस्तों अभी दोनों दोस्तों आप ध्यान दोगे ना, दोनों यही क्वेश्चन था ना, हाँ ये दोनों क्वेश्चन पे ध्यान दोगे तो 11 2 22 बहुत लगे दिमाग, 11 3 33 दोस्तों 11 का स्क्वायर रूट होता है, 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, पर स्क्वायर रूट नहीं होता, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बार, स्क्वायर मतलब है इसको दो बार मल्टीप्लाई करना और स्क्वायर रूट मतलब जैसे आप 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। अब मैं 5 का स्क्वायर रूट पूछूं तो 5 का स्क्वायर रूट थोड़ी, 5 का स्क्वायर रूट होता है दोस्तों पॉइंट पे आएगा वो आगे वाली बात है, अभी के लेवल पे आपको बस इतना है स्क्वायर रूट ऑफ 25 5, बट स्क्वायर रूट ऑफ 5 बोलूं मत नहीं, 5 का स्क्वायर बोल सकता हूं आपके लेवल पे आगे तो बहुत सारी चीजें चेंज होगी 11 12। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो दोस्तों ये वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दिया करो। तो अब यहाँ ये रेडिकेंट भी, दोनों का रेडिकेंट भी अलग है, ऑर्डर ऑफ सर्ट सेम है, ऑर्डर ऑफ सर्ट इसका भी 2 है, इसका भी 2, इसका कुछ नहीं हो सकता दोस्तों, ऑर्डर ऑफ सर्ट देखो इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, ऑर्डर ऑफ सर्ट, रेडिकेंट्स का है, रेडिकेंट्स अलग है, इसमें कुछ नहीं कर सकता मैं, 11 2 22 11 3 33, तो 11 का स्क्वायर रूट थोड़ी होता है, तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता, दोनों रेडिकेंट्स का अलग अलग है, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या लिखूंगा मैं डायरेक्ट लिखता हूं, रेडिकेंट्स आर नॉट सेम, देयरफॉर 5 अंडर रूट 22 एंड 7 अंडर रूट 33 आर अनलाइक सेट, अनलाइक लाइक पूछा ना, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ और आ जाता है, अनलाइक सेट्स। ओके तो 5 अंडर रूट 22 एंड 7 अंडर रूट 33 आर अनलाइक सेट्स। ओके दोस्तों ये हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का आज के लास्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों चलो अब लास्ट क्वेश्चन का आप स्टेटमेंट सर आप ही लिखोगे, सर आपने तो बोला था पूरा सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा करवा देता हूँ यार, 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 75। ओके दोस्तों इस बार ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई में, ये ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इससे इसको दे देते हैं हम 1 और ये अंडर रूट 75 ये 25 3 25 3 कितना होता है, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो मैंने 25 का स्क्वायर रूट होता है ना 5, स्क्वायर रूट 25 का स्क्वायर रूट कितना था 5, तो मैंने 5 बाहर निकाल लिया। ओके आप ध्यान दो, ये देखो इधर 3
ये 5, रेडिकेंट सेम है, ऑर्डर ऑफ सीट सेम है पर रेडिकेंट सेम है नहीं है, तो आगे आप लिख के मुझे दिखाओगे, आप कमेंट्स में लाइव चैट खत्म होने के बाद कमेंट्स में लिख के दिखाओगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग लिखते हैं। देखो दोस्तों, इसका मैंने इसका स्क्वायर रूट मतलब दो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 होता है, उसका स्क्वायर रूट निकलता है 25 का स्क्वायर रूट निकलता है, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, 25 का स्क्वायर रूट निकाल दिया तो 5 होता है। बट अब चेक करेंगे तो यहाँ अंडर रूट 3 आ गया, अंडर रूट 5 हो गया, ऑर्डर तो 2 है, ये भी 2 है, आंसर नहीं बोलूंगा मैं, इतना सब बता दिया मैंने आपको। कमेंट्स में मुझे नीचे लिख के बताना है कि दिस इज लाइक सर्ट्स और अनलाइक सर्ट्स, ये क्या है हमारा लाइक सर्ट्स है या अनलाइक सर्ट्स है, मुझे फटाफट लिख के दिखाओ। चलो कमेंट्स में चीटिंग नहीं करना, अगर देख के दूसरे का मत लिखना। अगर दोस्तों देखो, सबके सब क्वेश्चन मैं करवाया, तो अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चंस, क्योंकि आप एक साथ कंफ्यूज ना हो जाओ, तो आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।